नमस्कार दोस्तों, मुझसे बहुत लोगों ने उल्लू से रिलेटेड बहुत से सवाल किए हैं। यहाँ मैं पक्षी तंत्र के हिसाब से आपको जवाब देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें। देखिए, मुझसे किसी ने सवाल किया है कि अगर रात के समय हमें सफ़ेद उल्लू दिखाई देता है तो इसका क्या अर्थ है। पक्षी तंत्र इसे शुभ मानता है, धन लाभ का संकेत देता है, अगर आपको रात के समय सफ़ेद उल्लू दिखाई देता है तो। फिर किसी ने मुझसे प्रश्न किया है कि पूर्णमासी की रात को उल्लू दिखने का क्या अर्थ है। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, पक्षी तंत्र में साफ साफ दिखाया गया है कि अमावस की रात को दिखने वाला उल्लू अत्यंत शुभ है, जबकि पूर्णमासी की रात को दिखने वाला उल्लू नुकसान का संकेत देता है। इसके अलावा अगर आप पूर्णमासी के बाद के दिनों में जब भी उल्लू का दर्शन करते हैं, जब भी आपको उल्लू दिखता है पूर्णमासी के बाद के दिनों में, तो ये सब शुभ माना जाता है। जबकि अमावस के बाद के जितने दिनों, 15 दिन जो अमावस के बाद के आते हैं, उनमें दिखने वाला उल्लू शुभ संकेत नहीं देता है। यहाँ मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूँ कि जिस तरह से दीपावली अमावस को आती है और अमावस में दिखने वाला उल्लू अत्यंत शुभ माना जाता है, उसी तरह से पूर्णमासी में दिखने वाला उल्लू शुभ नहीं माना जाता, कुछ नुकसान का संकेत हो सकता है। अब यहाँ मुझसे किसी ने प्रश्न किया है कि मेरी घर की रसोई में उल्लू आ गया था और खाने की टोकरी पे बैठा और उसके बाद उड़ के चला गया। देखिए, उल्लू पक्षी तंत्र उल्लू को हर हाल में एक धनवाहक ही मानता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये इसे नुकसान का संकेत देता है। अगर उल्लू खाने की टोकरी के ऊपर बैठा है तो खान पान और उसके बाद उड़ गया है, तो ये खान पान का वैभव लेकर आ रहा है। और खान पान का वैभव तो कहते हैं तभी आता है जब घर में धन के भंडार भरे हों। सो आपके धन के भंडार भरने वाले हैं, आप अपने किचन में अच्छा अच्छा खाना बनाइए, सब आपके लिए शुभ ही शुभ संकेत कर रहा है। अब यहाँ मुझसे किसी ने प्रश्न किया है कि मुझे उल्लू अपने घर के पिछले वाले घर में बैठा हुआ दिखाई दिया है। देखिए, आप यहाँ आंसर मैं ये दूंगी पक्षी तंत्र के हिसाब से कि उल्लू का दर्शन जो है, उल्लू का दिखना जो है, वो अपने आप में शुभ है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये उल्लू का दिखना शुभ नहीं है। अगर आपको उल्लू दिखा है और आपको अपने घर की पूर्व दिशा की तरफ उल्लू दिखा है, तो ये आपको शुभ है। उस घर के, जिस घर के ऊपर उल्लू बैठा है, उस घर के लोगों ने उसे देखा या नहीं देखा है, वो उनकी बात हो गई, लेकिन उल्लू के दर्शन आपको हुए हैं, तो आपके लिए ये अगर पूर्व दिशा से दिखता हुआ उल्लू है तो ये आपके लिए शुभ है, आपके पूर्व के घर की तरफ की दिख रहा है तो। इसके साथ मुझसे किसी ने प्रश्न किया है कि मुझे सफ़ेद उल्लुओं का झुंड दिखाई दिया, ये क्या संकेत करता है। सफ़ेद उल्लू शुभ है, धन लाभ है, झुंड दिख रहा है तो ये भी शुभ है, क्योंकि सफ़ेद उल्लू का दर्शन अपने आप में अत्यंत लाभकारी है। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपके काम आई होगी। मैं अपने अगली वीडियो में भी और सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।